हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का फिर से एक और हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्वाला जी माता जी का मंदिर का ब्लॉग। तो दोस्तों, शुरू से लेके एंड तक जरूर ये वाला ब्लॉग देखना, क्योंकि आपके लिए ये वाला ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, इस ब्लॉग में हमने काफी मस्ती की है और पूरा ट्रैवल किया है। हम सोच रहे हैं कि आपको भी अपने साथ ट्रैवल करवाएं। तो दोस्तों, शुरू से लेके पूरा ब्लॉग जरूर देखना, तो आपको काफी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट हुए करते हैं ये वाला ब्लॉग स्टार्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हम पहुंच गए हैं ज्वाला माता मंदिर। ये है मेन गेट, ज्वाला माता प्रवेश द्वार। और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का, दुकानें सजी हुई हैं सभी। और अभी हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। यह माता ज्वाला जी का मंदिर, जहाँ पे अखंड ज्योत जगती है माँ ज्वाला जी की, देख सकते हैं आप। अभी हम अंदर जा रहे हैं, शायद अंदर वीडियो बनाने दे दें। अगर अलाउड हो तो हम आपको अंदर से भी दर्शन करवाएंगे, अगर नहीं अलाउड हुआ तो हम आपको बाहर से दर्शन करवा रहे हैं। बाहर से दर्शन कर सकते हैं आप। लीजिए, देखिए कितना खूबसूरत है माँ ज्वाला माँ का मंदिर। ऊपर से देखिए, ये भैया कौन सी है? ये गोरख डिब्बी है। ये गोरख डिब्बी पानी में जोत जलती है। यहाँ पे पानी में जो है माँ ज्वाला जी की जोत जलती है और पानी उबाल करता है, लेकिन होता है ना। हाँ, पानी देखो इतना उसमें से, पानी में से इतनी भाप निकलती है, लेकिन पानी में हाथ लगा के देखो तो पानी बिल्कुल ठंडा होता है। वहाँ पे भी चलेंगे, वो भी बताएंगे। ये है माँ ज्वाला माँ की शक्ति। यहाँ का जो पानी, हम ऊपर जा रहे हैं। अगर अलाउड हुआ तो हम आपको अंदर से दिखाएंगे, अगर नहीं अलाउड हुआ तो हम आपसे माफी मांगते हैं, हम नहीं दिखा सकते क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं हुआ। देख सकते हैं आप, दर्शन कीजिए बाहर से ही, अंदर ज्योत के पास कैमरा तो अलाउड है नहीं, क्योंकि अंदर कैमरा लेके नहीं जाने देते हैं ये। बाहर से आप दर्शन कीजिए, ये देखो सभी जगह आप दर्शन कीजिए। ये देखो चरणों के दर्शन कीजिए। और ये है माता जी की सवारी शेर, जो बाहर की तरफ हैं, जो ज्वाला जी आए हैं उनको पता होगा। ये बैक तरफ शेर हैं। हम अंदर से दर्शन करके आए हैं। ये जहाँ पे राजा अकबर ने छत्र चढ़ाया था, वो जो ज्वाला जी माता मंदिर में छत्र चढ़ाया था, यहाँ पे रखा हुआ वो छत्र राजा अकबर ने जो चढ़ाया था। दर्शन कीजिए, यह है श्रद्धा पात्र। और छत्र के पास लेके चलते हैं आपको। और आपको इस छत्र के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि कई साइंटिस्ट आए हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसको रिसर्च करके गए हैं। ना ये पीतल का है, ना लोहे का, ना चांदी का, और ना ही किसी और वस्तु का। आज दिन तक यही नहीं पहचान पाए हैं ये किस चीज़ का बना हुआ है। सभी तो यही कहते आए हैं। आगे आप बताइए, आपको अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि अगर कोई रिसर्च करके यहाँ पे अगर किसी ने पता किया हो। लेकिन हमने जो सुना है आज दिन तक, हमें तो यही पता है कि ये आज दिन तक पहचाना नहीं गया है कि किस चीज़ का बना है। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आगे चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं गोरख डिब्बी।
आपको ऊपर से दिखाएंगे। माता रानी का खजाना लेके जाए, माता के बने की भस्मी लेके जाए। ये देखिए यहाँ का खूबसूरत नज़ारा ऊपर से, अभी और ऊपर जा रहे हैं, अभी तो हाफ में पहुंचे हैं अभी। ये देखिए यहाँ का ज्वाला माँ का मंदिर का पूरा नज़ारा, ये ऊपर पहाड़ और ये मंदिर, नीचे देखो वादियाँ, कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। बने रहिए हमारे साथ, ऊपर जाके हम आपको दिखाते हैं मुख्य मंदिर माता श्री तारा देवी जी का। इनके बगैर जागरण जो है वो संपूर्ण नहीं होता। दर्शन कर सकते हैं आप तारा देवी जी के। ये आगे से भी दर्शन कर सकते हैं आप, ये कीजिए दर्शन। ये है श्री तारा देवी जी का मंदिर, इनके बगैर कोई भी जागरण करवाते हैं हम तो संपूर्ण नहीं होता, जब तक इनकी कथा ना सुनाई जाए। ये है नवग्रह मंदिर, ये कौन से हैं? ये केतु जी, देख सकते हैं आप इनके गर्दन में नहीं। ये है केतु जी और ये साक्षात शनि महाराज, ये शनि महाराज हैं और ये राहु जी, एक एक करके दिखाते जाएंगे। और ये हैं राहु जी, मंगल, और ये मंगल चंद्रमा, ये है चंद्रमा शुक्र, ये है शुक्र, और ये बुध, बुध, और ये बृहस्पति। यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा सब कुछ दिख रहा है पूरा। ये ऊपर है मंदिर पूरा, टोटल ज्वाला, टोटल ज्वाला देखिए पूरा यहाँ से दिखाई दे रहा है पूरा ज्वाला। बारिश सभी को, जय माता दी सभी को। कैसा लगा आप सभी को माँ ज्वाला जी का ब्लॉग? आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो ब्लॉग। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।